पूर्णी में अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में हम लोग करते हैं, उनकी याद में ही करते हैं और उन्हीं को समर्पित करते हैं अति विष्णु महायज्ञ करके। और इसी यज्ञ की खासियत आप लोगों को सबको मालूम है, फिर भी बताना जरूरी है। इसमें 108 हवन कुंड होते हैं और इसी तरह से 108 हवन कुंड के साथ हर भारत के कोने कोने से विद्वान आते हैं, साधु संत महात्माओं को निमंत्रण दिया जाता है कि हमारे पूरे भारत के कोने से साधु संत महात्मा आकर के इस पावन पूरी कोनी में जितने भी श्रद्धालु हैं उनको दर्शन दें। सत्संग के माध्यम से कई लोगों के प्रश्न होते हैं जिनका यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आएंगे तो उसमें उनका जवाब है, उसका प्रश्नों के कई इस तरह के उत्तर होते हैं। कई लोगों को कुछ मन की साधनाएं हैं भगवान के प्रति, वो हर जगह जाकर के संतों के पास नहीं पहुंच सकते, तो यहाँ पे बहुत सहजता से ही सुलभ है कि साधु संत महात्मा आ रहे हैं, उनके प्रवचन हो रहे हैं और कई लोगों के इस प्रकार के साधना से संबंधित जो कोई भी प्रश्न होंगे वो भी पूर्ण होते हैं। उनकी जितनी भी साधना की कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं वो यहाँ साधु संत महात्मा जब प्रवचन करते हैं तो उससे पूरी हो सकती है। और इस यज्ञ में विशेष जो है भगवान नारायण का जो भव्य स्वरूप दिव्य स्वरूप बनाया गया है, ये मेरे मन में एक संकल्प था कि भारत को कैसे हम पावन पूरी पूर्णी के साथ जोड़ें, पूरे भारत को। तो आपको सुन के ताजुब होगा कि विदेश से भी बर्तन आए हैं, तो हर जगह जगह से भारत के कोने कोने से बर्तनों के लिए यहाँ से संदेश दिया गया था कि कोई भी कहीं भी जहाँ भी रहते हैं आप लोगों के घर के जो पुराने बर्तन हैं, जिन बर्तनों में माताओं ने भोजन बना करके अपने बच्चों का लालन पालन किया होगा, पूजन किया होगा, या कभी किसी तरह से घंटियां बजाई होंगी भगवान के आगे, वो घंटी भी अगर खंडित हो गई है तो वो भी हमें आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इस पावन पूरी पौनी में भगवान का दिव्य विराट रूप जो यहाँ पर बन रहा है उसमें इसको लगाया जाएगा। तो बड़े श्रद्धालु लोगों ने भारत के कोने कोने से बर्तन आए और उन बर्तनों में जिन्होंने लोगों को खाना खिलाया घरों में, बहुत लोग ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने बर्तन हैं जिनमें सब्जी बनी होगी, जिनमें चावल पके होंगे, इसी प्रकार से बहुत सारे बर्तन आज यहाँ पर जब आए तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो सत्य संकल्प था हमारा कि भगवान का दिव्य स्वरूप बने, आज वो बर्तन भगवान का रूप बन गए। ये बहुत बड़ा एक संदेश है कि बर्तन भगवान बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। जितने बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इतने प्रसन्न हो रहे हैं, वो इतने खुश हो रहे हैं कि हमारे गुरु के बर्तन आज भगवान का रूप ले लिए, ये बहुत बड़ा संदेश है। उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुश हो रहे हैं कि ये बर्तन हमारे भगवान का रूप बन गए, तो वो सदियों तक चलेगा, सदियों तक। 108 क्विंटल का जो स्वरूप बना है ये हिलाने से भी नहीं हिल रहा है और सदियों तक ना जाने कितने हजारों वर्षों तक इनकी पूजा होनी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक संदेश है कि किसी भी तरह से भारतवर्ष के जितने भी श्रद्धालु हैं धर्मनगरी पावन पूरी पौनी के साथ जुड़ गए, आज उनका एक रिश्ता है, जितने भी लोग हैं उनको हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोगों के बर्तन यहाँ पे सदुपयोग हो करके भगवान का दिव्य भव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गए हैं, आप आइए, सादर आमंत्रित हैं, आप दर्शन करिए। तो यज्ञ नारायण भगवान की यहाँ पर जो यज्ञशाला है उस पे बैठ करके आप आहुतियाँ भी वेद मंत्रों के द्वारा दीजिए और उनको याद कीजिए जिन्होंने अपने भारतवर्ष की देश के खातिर प्राणों का बलिदान दिया, प्राणों की आहुतियाँ दी, आज हम उनको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं कि आज बॉर्डरों पे बैठ करके हमारे नौजवान, कितनी ठंडी है यहाँ पर अभी देखिए, और बॉर्डर पे जहाँ बर्फ पड़ी हुई है वहाँ किस प्रकार से रहते हैं, वास्तव में उनको जो है नमस्कार करने का पूरे भारतवर्ष का एक कर्तव्य बनता है। तो ये हमने एक संदेश दिया कि यहाँ से बैठ करके आप उनको याद भी कर सकते हैं, हवन के माध्यम से उनको जो है श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं उनको याद करते हुए। और यज्ञ नारायण भगवान का यहाँ पर एक उनकी पुण्य स्मृति में वीर स्तंभ भी यहाँ पर बनाया गया है और तिरंगा भी यहाँ पर पावनपुरी की धरती में लहरा रहा है और कोशिश कर रहे हैं
के भारतवर्ष के जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, हमारे शंकराचार्य जी, हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, जो कि बहुत व्यस्तता है उनकी, मैंने देखा श्री अयोध्या जी के विषय में आज जिस तरह से रामलला जी का वहाँ पर मंदिर बन के तैयार हो रहा है, और बड़े बड़े जितने भी आदिगुरु शंकराचार्य जी के जितने गद्दी नसीन हैं जो इस वक्त वर्तमान समय पे जगत गुरु शंकराचार्य जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी जो विराजमान हैं, मेरी उनसे बात हुई कि आप धर्मनगरी पावनपुरी बोनी में इस यज्ञ में आ सके तो यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं इनका सौभाग्य होगा, और आप कृपा करें, आशीर्वाद दें। सबने यही कहा कि अगर अयोध्या जी का ये रामलला मंदिर का कार्य हो जाता संपन्न और उसके बाद यज्ञ का अगर समय होता तो शायद, तो बीच में कुछ महापुरुष आने वाले हैं, ये हमारी पावनपुरी पोनी का सौभाग्य है। और इसी तरह से यज्ञ में बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी आएंगे और निर्विघ्नता से संपन्न हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और यज्ञ नारायण का जो स्वरूप है, जितने श्रद्धालु आए दर्शन करें और यहाँ यज्ञशाला की परिक्रमा। स्वामी जी, जम्मू सूबे के लिए बात की जाए तो जो पोनी, पावनपुरी पोनी का जो यज्ञ है वो एक उत्सव बन चुका, क्योंकि हर साल ये यज्ञ होता है जी। इसके अलावा और कौन सी जगह पे आने वाले दिनों में आपका अति विष्णु महायज्ञ चलेगा? और जब पावनपुरी पोनी की बात की जाए तो लोगों से जब हमारी बात हुई तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जब जहाँ पर आए थे उनका ये कहना था कि पहले पोनी था, यज्ञ के बाद इस नगर का नाम पावनपुरी पोनी हुआ। अब लोग चाहते हैं कि जो इस शहर का नाम है वो संत बाल जोगेश्वर धाम होना चाहिए। आप इस बात से कितने ज्यादा सहमत हैं? लोगों का ये कहना है नाम मेरा नाम से क्यों होना चाहिए, जो है जो प्राचीन पहले समय से था पुराना क्या है। कई बार आप देखते हैं हर जगहों पे कई ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े हमारे गांव हैं जिनके नाम कुछ किसी वजह से चेंज हो गए होंगे, तो आज भी बड़े हमारे नेता लोग हैं जो इस तरह से उनका नाम पुराना जो था उसी को वापस कोशिश कर रहे हैं कि वो पुराने नाम आए। तो ऐसे ही ये पावनपुरी ही थी, इसका नाम पावनपुरी ही था, पोनी नहीं था। पोनी तो जैसे दिवाली बोलते हैं हम लोग, दिवाली तो आप हम सब लोग जानते हैं कि दिवाली नहीं, दीपावली है। दीप जिस वक्त जगाए गए प्रभु श्री राम जी के आगमन पर, तो वो दीपावली मानी जाएगी, दिवाली नहीं। तो कुछ शब्दों का इस प्रकार से हम लोग कभी शॉर्टकट ले लेते हैं, तो ये पावनपुरी ही थी, है और रहेगी। बस वो पोनी नाम शॉर्ट में, जैसे छोटे बच्चे का नाम किसी का जो है रामलाल है तो रामू बोल देंगे, तो ये रामू है तो वही, लेकिन रामलाल उसका नाम जरा राम का लाल जरा दिखेगा, रामू जरा एक अलग किस्म का नाम है तो प्यारा, लेकिन वो छोटे होने से यही पावनपुरी पोनी हमारी जो है, इसीलिए हमने पोनी भी साथ में रखा है कि धर्म नगरी पावनपुरी पोनी यही नाम होना चाहिए। मेरे नाम से क्यों होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जैसे कई फिर बाद में आएंगे, फिर उनके नाम से कोई कहेगा, फिर कई आ गए होंगे, तो ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वही सही है जो सत्य है, और सत्य यही है कि ये धर्म नगरी पावनपुरी पोनी ही है। उस दिन लोगों का कहना था, धर्म शास्त्री जी बोले थे, वो लोगों ने सहमति दी थी अपनी कि इसका नाम होना चाहिए। वो उनके एक भाव है, सब लोगों के अपने अपने भाव होते हैं, प्यार करते हैं तो ऐसा ही होता है। यज्ञ कब से शुरू होगा और कब इसकी पूर्णोति होगी? ये आज से यज्ञ जो है प्रारंभ हो गया है 30 तारीख से, और 10 तारीख को पूर्णा होती है। और इस यज्ञ में बहुत सारे संत जो महात्मा आने वाले हैं, उनके दर्शनों के लिए मैं सभी श्रद्धालुओं से निमंत्रण देता हूं उनको कि सादर मंत्रित हैं, आप लोग आइए और इस तरह से यज्ञ का दर्शन जरूर करिए। और भगवान नारायण का जो स्वरूप बन के तैयार हुआ है, उसके दिव्य अलौकिक दर्शन है, उसको आकर के दर्शन करना बहुत जरूरी है। जितने भी जिन्होंने बर्तन दिए हैं वो तो सभी आ रहे, वही लाखों लोग हैं वो सभी आने वाले हैं। वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं जिन्होंने अपने बर्तन दिए हैं, खुश हो रहे हैं कि आज हमारे बर्तन भगवान का रूप ले लिए, और नतमस्तक हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और एक दूसरे को, अपने रिश्तेदार को, नातेदार को, अपने जो कोई दोस्त इष्ट मित्र आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि ये मूर्ति जो है, हमारे घर से जो बर्तन आए थे, ये मूर्ति में इस तरह से हमारे बर्तन भी लगे हैं। तो ये कितनी खुशी का एक विषय है, बहुत बड़ी बात है। धर्म नगरी पावनपुरी पोनी के साथ पूरे भारत को जोड़ा गया है, और ये एक अच्छा संदेश है कि लोग जुड़ें,
और जुड़ करके वो ऐसा स्वरूप का दर्शन करें, वास्तव में उनको ये एक श्रद्धा का विषय है, प्रेम का विषय है, और इसी तरह से सनातन को आगे बढ़ना चाहिए, इसी तरह से सनातन जुड़ता रहता है। और मेरा तो यही कहना है महाराज जी, 18 दिन के बाद 41 जिंदगी जो थी वो बची गई है। जी जी, वहाँ के लोगों का कहना था कि कुल देवता की वहाँ पर पूजा नहीं की गई जी, जब कुल देवता की पूजा की गई उसके बाद 41 जिंदगी वापस आ गई। बिल्कुल, आप किस तरीके से मानते हैं? मैं बिल्कुल यही मानता हूँ जो बोला गया है, मैं इस चीज को मानता हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड में ही रहता हूँ, मेरा जीवन सारा वहीं पे व्यतीत हुआ, मैं वहीं रहता हूँ बद्रीनाथ जी में, और ये चीज पहले भी देखी गई है। ये 13 में जो त्रासदी आई केदारनाथ जी की हमारे उत्तराखंड में, ये धारी देवी माता जी की मूर्ति को स्थानांतरित करने के लिए इन्होंने वहां से हिलाया उठाया, तो ऐसा प्रलय आया कि वहां पर सारी लोग जानते हैं कि लाखों लाखों लोगों के वहां पर जो है इस तरह से उसमें बह गए, बाढ़ में बह गए लोग। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल उत्तराखंड में, तो ये जो भूमि होती है, पहाड़ जो क्षेत्र है, ये देव भूमि मानी जाती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तरांचल हो, उत्तराखंड हो, चाहे ऐसे नेपाल का क्षेत्र हो, ये सारा देव भूमि मानी जाती है। और देवता जागृत होते हैं, क्या करते हैं कि कुछ ऐसे जो काम करने वाले लोग होते हैं, ये इस प्रकार से देवी देवताओं का पूजन जाए ये अच्छी तरह समझते नहीं है, इनको मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह से ये काम जब शुरू करते हैं तो इनको चाहिए कि स्थान के जितने भी प्रधान लोग हैं, जो वहाँ गणमान्य वरिष्ठ लोग हैं, उनसे पहले पूछें, और पूछ करके देवी देवता की वहाँ पर मान्यता जो है उसके अनुसार पूजा करें, आदेश लें, आज्ञा लें, तो फिर कार्य को करें, तो निर्विघ्नता से संपन्न होता है। आखिरकार वही हुआ कि देवता को मनाया गया, उनका मठ मंदिर बनाया गया, और फिर वो जिंदगी हमारी सारी जो 30-40 लोग अंदर थे वो सारे बाहर आए। तो ये चीज एक प्रमाण प्रत्यक्ष में था, इसकी जरूरत नहीं है प्रमाण की, ये तो सबने अपनी आंखों से देखा। और ये बहुत अच्छा आपने पूछा, और वास्तव में ये होना चाहिए कि पहले वहाँ के स्थान के लोगों से एक सलाह ले ली जाए, पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कोई देवता का प्रधानता हो तो हमें बताएं, हम यहाँ पर पूजन करके उनकी अनुमति ले लें। तो ये बहुत अच्छा विषय है और ये होना ही चाहिए। मैं यही देखना चाहता हूँ कि देवताओं की पूजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और ये बिल्कुल सत्य है और सही है। जिस तरह 2024 के चुनाव आने वाले हैं, अभी चुनावों की बात की जाए, आम मुद्दे छोड़कर अब भगवान के नाम जो है ज्यादा ली जाते, अभी राम की बात की जाएगी, अयोध्या की बात की जाए, चुनावों में इस तरीके के भगवान को साथ में लेके चला, कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जो पहले ले ही नहीं रहे, नाम आम ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा, इनका सबका कल्याण हो जाएगा, और जिसका भी होना है वो तो होना ही है, लेकिन जो नहीं लेते हैं नाम वो चुनाव की वजह से ले रहे हैं, और क्या चाहिए। भगवान तो साफ शब्दों में कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशी दस हूँ, जैसे मर्जी मेरा नाम सुमिरन करो, मैंने उसका बेड़ा पार करना ही है। तो जो ये इस तरह से भगवान की शरणागति लेके भगवान का नाम सुमिरन करते हुए चुनाव का प्रचार करेगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसका बेड़ा पार हो जाएगा, मुझे लगता है समझे, बिल्कुल हो जाएगा। समझे, जिस तरह से पूरे भारत वर्ष को हुआ है संतोर देवताओं की भूमि कहा गया है, और सनातन के साथ जोड़ने के लिए जो युवा पीढ़ी हमारी है उसके लिए परिजन जो है वो वेस्टर्न कल्चर की ओर बच्चों को ले जाते हैं, कि जबकि प्रयास करना चाहिए कि सनातन से के साथ जुड़े जी। क्या कहेंगे? ये गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, और परिवार के जो परिजन है वेस्टर्न कल्चर की ओर जो अपने बच्चों को परिधान देखें, तो अभी बोलेंगे तो बच्चे भी नाराज हो जाएंगे, वैसे भी मुझे प्यार करते हैं बच्चे बहुत, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, क्यों बच्चे इस तरह से वस्त्र पहनते हैं, इस तरह से उनका खाना रहन सहन हो गया है, कि ये बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दांत दर्द कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं है, 12-14 साल के बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, सिर दर्द करता है उनका, पेट में उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ये आखिर है क्या? माता पिता क्या बोलते हैं कि महाराज जी बच्चा कुछ नहीं खाता, खाता क्यों नहीं है, चिप्स खाता है, कुरकुरे खाता है, वो इस प्रकार की मैगी और ऐसे ये मसाले ऐसी चीज़ें खाते हैं, वो खाना क्यों खाएगा, उसका मन ही नहीं करता है, वो इसी तरह के खाना को पसंद करता है। तो ये माता पिता का ही इस प्रकार से पूरा ध्यान देने का बनता है, कि माता पिता को चाहिए कि वो इस तरह की कोई ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि क्योंकि ये हम भी चाहते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, चाहे बेटी है, चाहे हमारी बहुएं, चाहे हमारे और
माताएं हैं वो अगर कुछ अच्छे वस्त्र पहनेंगी तो अच्छी ही तो लगेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा गलत टाइप के जो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं उसकी जरूरत हमारे भारत को नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वस्त्र जो पहनते हैं वो पहने, लेकिन भारत का परिधान, भारत की वेशभूषा, भारत का कल्चर, भारत का खान पान, रहन सहन ये नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वास्तव में अपने कल्चर को अपनाएं, अपने सनातन को अपनाएं, अपने धर्म को अपनाएं। वास्तव में भगवान जी ने, ठाकुर जी ने गीता जी में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब के अनुसार कार्य करें तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप किसी भी तरह से सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, भगवान जी ने अर्जुन को कहा सारी तरफ से अपना दिमाग हटा करके हर प्रकार के जहां यहां मत्थे टेकने के बजाय तू सिर्फ मेरी शरणागति में हो जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। तो ये बात भी सही है, हमारे यहाँ के जितने भी सनातनी, हमारे जितने भी भारतवासी हैं, इनको चाहिए कि ये अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने कल्चर को अपना करके अपने भारत का नाम रोशन करें और अपने आप को भी बचाएं। धन्यवाद। नित्य नारायण भगवान की जय।